कसम से संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं बीजेपी ने, झूठी वाई वाई लूटने के लिए देश की अखंडता को खतरे में डाल के जिस तरह से ये सब कुछ किया गया है असंवैधानिक तरीके से, धारा 370 उठाने के संवैधानिक तरीके भी थे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और जैसे हमारे कहावत है कि जो गुड़ दे के मारा जा सकता है उसको लाठी से मारने की जरूरत नहीं है, अगर 300 धारा हटानी थी तो उसके लिए संविधान के अंदर पूरी तरह से प्रावधान रखे हुए हैं, परंतु एक तानाशाह रवैये के साथ जिसे फासिस्ट जो टेंडेंसीज हैं वो सामने आई हैं, और एक जहाँ पे आज एक वाही वाही का माहौल बन रहा है बीजेपी के पक्ष में, वहीं पे एक जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके मन के अंदर आज एक डर की भावना बन चुकी है, क्योंकि एक संदेश सीधा क्लियर हो चुका है कि बीजेपी ने एक संदेश दिया है माइनॉरिटीज़ को कि तुम्हारा नंबर भी लगेगा। आज कश्मीर के लोगों का नंबर लगा है, कल हो सकता है पंजाब का नंबर आ जाए, कल हो सकता है नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट्स हैं उनको ये कह के, नागालैंड के अंदर प्रोविजंस हैं इसी किस्म की, 370 से संबंधित ऐसी धाराएं वहाँ भी हैं, 371 की ऐसी धाराएं मिजोरम के अंदर भी हैं। इन बातों को लेके आज विस्तृत तौर पे चर्चा हुई, क्योंकि एक नैतिक तौर के ऊपर हम समझते हैं कि कश्मीर एक हमारा भारत का अखंड अंग है, रहेगा, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। अगर आज उस राज्य था आज उसको आपने यूटी बना दिया तो मैं समझता हूँ वो काम लोगों को साथ रख के किया जा सकता था। कहाँ तक कल ये लोग वाजपेयी साहब की दुहाई देके जमहूरियत की बात करते थे, इंसानियत की बात करते थे, कश्मीरियत की बात करते थे, ना तो कश्मीरियत इसमें कहीं दिखाई दी, और जमहूरियत की जो धज्जियाँ उड़ाई हैं बीजेपी ने उसको लेके आज यहाँ पे बातचीत हुई है।